एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें कि बताने वाला हूँ आपको कि आप अगर कोई सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं, किसी से पुरानी बाइक लेते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए या आपको ध्यान देने चाहिए। तो बात करते हैं आज उन 5 टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको पुरानी बाइक अगर कोई खरीदते हैं तो उसे ध्यान रखते हुए लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों, इसका प्राइस पॉइंट आता है। जो बाइक है वो 2010 की है और इसके जो ओनर इसकी जो कर रहे हैं कि हमें ये बाइक बेचनी है, तो 25,000 में ये बेचने के लिए कह रहे हैं। तो 25,000 वैसे 2010 के मॉडल के हिसाब से ये वैसे भी ज़्यादा है, और फिर अगर बाइक की परफॉर्मेंस अगर चेक करें तो उसके ऊपर आता है। फर्स्ट पॉइंट यही होता है दोस्तों कि आपको भावताव देखना है, और आप जो बाइक ले रहे हैं उसकी प्राइस उसके टाइम के हिसाब से सही है या नहीं, ये भी देखनी चाहिए। अभी सेकेंड पॉइंट जो आता है दोस्तों कि आपको देखना चाहिए कि किलोमीटर कितनी चल रखी है बाइक। ये पॉइंट सारे ही सेकेंड हैंड लेने वाले एक बार जरूर चेक करते हैं, बट आपको किलोमीटर्स के साथ साथ ये भी चेक होना चाहिए कि इसका मीटर कभी ऑफ तो नहीं हुआ था, मतलब कि जो रीडिंग आनी है वो कभी कभी ऑफ हो जाती है, वायर्स ख़राब हो जाते हैं कब। ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर 100cc के वेरियंट्स में आपको देखने को मिलेगी कि उनका मीटर बंद हो जाता है, स्पीडोमीटर। इसमें पल्सर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर आती नहीं है। उस हिसाब से इसकी जो मीटर रीडिंग है दोस्तों वो 1,08,000 हो चुके हैं, 9,500 होने वाले हैं, मतलब 1,09,000 होने वाली है ये बाइक। तो उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो एक्स्ट्रा है, और इतने किलोमीटर के बाद अगर आप सेकेंड हैंड बाइक लेते हैं तो उसकी जो प्राइस होनी चाहिए 10,000 से 15,000 रुपये। 10,000 से 15,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर परफॉर्म अच्छा करती है तो 15,000 तक आप दे सकते हैं इस बाइक का, बट अगर आप इंजन चेक करते हैं और इंजन आपको इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो फिर 10,000 इसके ठीक है, 15,000 वर्थ नहीं करेंगे। जो थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि इसका जो इंजन है उसका काम कभी हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक बात कहते हैं कि इंजन जब खोलते हैं कवर करने के लिए, कुछ ज़्यादा भारी काम आ जाए तो पूरा इंजन खुल करके उसका वर्क होता है। तो जैसे ही इंजन का खोलने के बाद अगर वर्क किया जाए तो उसके बाद इंजन है ना छोटी छोटी चीज़ों पर बार बार मतलब इंजन खोलना पड़ जाता है। अगर छोटा मोटा भी कुछ होता है तो फिर उसके लिए पूरा इंजन खुलता है। तो इससे क्या होता है कि आप बाइक खरीदते हैं उसके बाद आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं बाइक के साथ। अगर थोड़ा कुछ होता है तो पूरा इंजन खोलो तो उससे खर्चे ज़्यादा आ सकते हैं। तो इंजन खुला है या नहीं खुला है ये आपको ओनर बताएगा नहीं, तो आप किसी मैकेनिक से ज़रूर चेक करवाएं, वो देख करके आपको ज़रूर बता सकता है कि इंजन खुला है या नहीं खुला है। नहीं है किसी का या उसके पास गाड़ी के पूरे पेपर ही नहीं है और आपको बाइक बेच देता है, तो फिर आपको आगे चल के अगर कुछ होता है तो आपको एक मतलब हो जाता है, वीक पॉइंट आ जाता है आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पेपर्स देख लेने चाहिए बाइक के पूरे हैं या नहीं, और अगर पेपर पूरे हैं तो वो आपके मतलब नाम पर ट्रांसफ़र वगैरह ये वाला सिस्टम भी होता है। तो आप पैसे पेपर वगैरह देख लीजिए, अगर पूरे पेपर हैं तो बाइक खरीदिए, आधे पैसे दीजिए और उसको बोलिए जब आपके नाम पे होते हैं तो फिर पूरे पैसे आप उसको ट्रांसफ़र करिए। मतलब ऐसा डायरेक्ट पैसे दे दिए और पेपर देखे नहीं तो ये गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि बाइक अगर आपको कोई अच्छी दिखने को मिलती है, प्राइस कम लगता है तो आप सोचते हैं ले लेते हैं, लेकिन पेपर अगर नहीं होंगे उसके कंप्लीट तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही एक और इंक्लूड कर दीजिएगा कि मुझे बाइक का 1 ईयर इंश्योरेंस तो कंप्लीट मतलब होना चाहिए, 1 साल का इंश्योरेंस तो आपको बाइक के साथ मिले। अगर आप लेते हैं उनसे तो 1 साल का इंश्योरेंस ज़रूर मांगिए किसी भी सेकेंड हैंड बाइक को आप अगर ख़रीदते हैं तो। अभी दोस्तों मैंने जितने भी कवर करने थे पॉइंट शायद कर दिए हैं, अगर आपको भी कोई पॉइंट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने भाइयों की हेल्प करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई खरीद रहा है बेच रहा है तो शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।